हेलो फ्रेंड्स, हॉट एंड सॉस चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हमारी आज की रेसिपी है हरा भरा कबाब। ये हरा भरा कबाब हम हरी सब्जियों से बनाएंगे। हरी सब्जियों से बना हुआ है तो हेल्दी तो होगा ही, लेकिन साथ में टेस्टी भी बहुत होगा। तो हम ये हरा भरा कबाब फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट करें। उससे पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर मेरा ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक भी कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए हम हरा भरा कबाब की रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा पानी गर्म किया है, और जब ये पानी गर्म हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे थोड़े से ये पालक की पत्तियाँ। इसको हमको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, जब ये सॉफ्ट हो जाएं तो हम इनको निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम इसको मिक्स करेंगे और इसको सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी पालक की पत्तियाँ जो हैं सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इनको एक स्ट्रेनर की सहायता से अच्छे से दबा करके इसको पूरा पानी हम निकाल लेंगे। इसमें हम बिल्कुल भी पानी नहीं रखेंगे। पूरा पानी निकालने के बाद हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब हम चलते हैं अपने अगले प्रोसेस पे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन रखा है, इसमें हम 1 से 2 चम्मच तेल डालेंगे और तेल को गर्म होने देंगे। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे 5-6 कलियां लहसुन की, और हम इसमें थोड़े से अदरक और 1 या 2 हरी मिर्च अपने स्वाद के अनुसार हम इसमें डाल लेंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं है तो आप मिर्च की क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। और हम यहाँ पर अपने हरे मटर को डाल देंगे, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और साथ ही हम इसमें डालेंगे फ्रेंच बीन्स, इनको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च डालने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे सब्जियों को पका लेंगे। हमको इसको पूरी तरह से नहीं पकाना है, थोड़ा ही कुक करना है इसको। देखिए हमारी सब्जियां जिस तरह से दिख रही हैं, हल्की सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे और निकाल के हम इसको ठंडा कर लेंगे। और ठंडा करने के बाद हम इसको एक ग्राइंडर जार में डाल करके ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए सब्जियां ठंडी हो गई हैं और इसको अब हम ग्राइंड कर लेंगे। और साथ ही हम इसमें जो हमने पालक रखा था उसको भी डाल लेंगे। इन सभी सब्जियों को हम बारीक ग्राइंड कर लेंगे। अब हम एक बाउल लेंगे, और इस बाउल में मैंने लिए हैं 2 से 3 उबले हुए आलू, इनको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। और साथ ही हम इसमें डालेंगे पनीर। पनीर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पनीर को मैंने अच्छे से कस लिया है, और हमने जो सब्जियां ग्राइंड करके रखी थी उसको भी इसमें डाल लेंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्स, आप यहाँ पर चाहें तो कॉर्न स्टार्च भी डाल सकते हैं। फिर मैंने नमक डाला है स्वाद के अनुसार, और कुछ सूखे मसाले लिए हैं, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला और लाल मिर्च का पाउडर। इन सभी सूखे मसालों को हम इसमें ऐड कर लेंगे। अगर मिक्सचर की बाइंडिंग अच्छे से ना हो तो आप यहाँ पर कॉर्न स्टार्च का यूज़ ज़रूर कर लें। सभी मसालों को डालने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे और ये मिक्सचर बना लिया है हमने। और अब हम इसमें डाल लेंगे पुदीना की पत्तियाँ जो मैंने बारीक चॉप कर ली हैं, और साथ में ही धनिया की पत्ती, इसको भी हम अच्छे से मिक्स के तैयार कर लेंगे। ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं कबाब बनाने के प्रोसेस पे। उसके लिए हम अपने हाथों को थोड़ा सा ग्रीस करेंगे और थोड़ा सा पार्ट लेके मिक्सचर का, और इस तरह से हमें कबाब का शेप देंगे। और यहाँ हमने लिया है थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स, इसको क्रंची बनाने के लिए हम इसकी कोटिंग कर लेंगे ब्रेड क्रम्स में। और हमारा ये कबाब बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है।
ठीक इसी प्रोसेस से हम सभी कबाब को बना करके तैयार कर लेंगे। और अब हम चलते हैं कबाब को फ्राई करने के प्रोसेस पे। तो यहाँ हमने पैन में तेल गरम किया है। जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो हम इसमें एक एक करके अपने कबाब्स को डाल देंगे और इसको उलट पुलट के हम दोनों तरफ से तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका क्रंची लुक ना आ जाए। और ये कबाब बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं, फ्राई हो जाते हैं ये। तो देखिए एक तरफ से पक गया है, इस तरह से हमने दोनों तरफ से कबाब्स को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक किचन टॉवल के ऊपर, जिससे कि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल सके। इसी तरह से हम सभी कबाब्स को फ्राई कर लेंगे और इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे कबाब तैयार हैं, एकदम हरा भरा कबाब जो कि बहुत हेल्दी और टेस्टी भी है। और इसकी गार्निशिंग भी हमने कर ली है और इसको हमने सर्व किया है टमाटो की चटनी के साथ। तो आप ये हरा भरा कबाब इंजॉय कीजिए और अपना फीडबैक देकर ज़रूर बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए।